दोस्तों अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों आखिरकार उड़ती हुई साउथ अफ्रीका को जमीन पर लाने के लिए ईडन गार्डन्स के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिया अपने कदम। उसके बाद शुरू हो चुका है मुकाबला। आखिर प्लेइंग 11 टीम में क्या हुए हैं बड़े बदलाव, क्या चल रहा है भारत का स्कोर, कौन पहुंच गया है शतक के करीब, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में से वर्ल्ड कप का यह रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है और जब भी दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने होती है तब रोमांचक मुकाबले की सभी हदें पार हो जाती है। और दोस्तों आप तो जानते हैं कि एक तरफ भारत की टीम है जो कि अब तक वर्ल्ड कप के अपने 6 मुकाबले खेल चुकी है और 6 के 6 भारत ने अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने अभी तक 6 मुकाबले खेले लेकिन 5 मैच में जीत हासिल की है। और दोस्तों एक मुकाबला जो साउथ अफ्रीका की टीम हारी वो तो आपको याद ही होगा, नीदरलैंड की टीम के खिलाफ। अब आखिर इस एक हार को हम कंसिडर करें या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का यह रोमांचक मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है, जहां आप सभी को एक तरफ रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ टेम्बा बबुमा किसी भी हाल में चाहेंगे कि भारत की टीम को हराए। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों टीमें आपस में कांटे की टक्कर एक दूसरे को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आप यह मुकाबला लाइव अपने टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर देख पाओगे और अगर मुकाबला आपको लाइव देखना है ऑनलाइन तो हॉटस्टार ऐप पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर मैच से पहले हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में तो दोस्तों अब तक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुल मिलाकर वनडे में 90 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोस्तों 90 मैचेस में से भारत की टीम ने 37 बार जीत हासिल की है और 50 बार साउथ अफ्रीका की टीम जीती है। तो आप इन आंकड़ों से तो अंदाजा लगा सकते हैं भारत की टीम काफी ज्यादा पीछे साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। और अगर दोस्तों वर्ल्ड कप की बात कर लें तो यहां पर 5 मुकाबले दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए हैं और 2 मैच में भारत ने जीत हासिल की है और 3 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम जीती है। तो दोस्तों इस लेगेसी को बरकरार रखने के लिए कप्तान टेम्बा बबुमा जरूर चाहेंगे। वही अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों आप सभी को जो भारत की प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है उसमें रोहित शर्मा ने कई बड़े बदलाव कर डाले हैं, जहां शुभमन गिल के साथ वो पारी की शुरुआत इस बार करते हुए नहीं दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों पिछले 3 मुकाबलों में शुभमन गिल का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है और वर्ल्ड कप में वो लगातार फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब रोहित शर्मा ने ईशान किशन को खिलाने का फैसला किया है। तो वही तीसरे नंबर पर विराट कोहली होंगे, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है, फिर केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और टीम का हिस्सा रविंद्र जडेजा बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें अगर गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। वहीं बात की जाए अगर साउथ अफ्रीका टीम के बारे में तो साउथ अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बबुमा पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में एडन मार्करम, रसी वेंडर ड्यूसेन, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, गेरोल्ड कॉट्सी, केशव महाराज लुंगी, एनगेडी और तबरेज शमसी को मौका दिया गया। बाकी दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम है वर्ल्ड कप का मुकाबला जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।